तो भाई इस पे रोए कि हमने अल्लाह के कुरान की नकदरी की, न पढ़ा न समझा न आगे पहुंचाया। जो कुरान का तर्जमा तफसीर नहीं जानते ना, वो यकीन कर मैं स्टाम्प पे लिख के दे देता हूं, वो परले दर्जे के बेअदब और गुस्ताख है कि दुनिया की छोटी छोटी चीजें पढ़ते फिरते और अल्लाह का अजीमो अजीमो शान कलाम, यूनिवर्सल चैलेंज बुक को न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न आगे पहुंचाते हैं, इस आपसे बड़ा बेअदब कौन होगा? ये इतनी बड़ी बेअदबी है, इस बेअदबी का बदला लेने के लिए अल्लाह का नबी लाया जाएगा क़यामत वाले दिन और हजूर ये आयत पढ़ेंगे, वकाल रसूल या रब्बे इन कौम तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। ये आयत है कुरान की, अल्लाह के दरबार में आपके खिलाफ दावा दायर हो जाएगा, नबी गवाही देगा, बताए कौन आपकी सिफारिश करेगा वहां। वकाल रसूल या रब इन कौम तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये ड्रामों और फिल्मों और अखबारों के पीछे लग गई, टच मोबाइल के पीछे लग गई, इन्होंने या अल्लाह तेरे कुरान को छोड़ दिया था। ये आयत है, पढ़ लो कुरान में, सूरह फुरकान के अंदर है। हाय 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 हाय, इतनी तोहीन कर रहे हैं हम, कोई और कुरान को जला दे कुछ कर दे, मुसलमान बड़ा एहतजाज करते हैं और मुसलमानों को खुली छुट्टी है, जो मर्जी करते रहे। ये बेअदबी नहीं? एक आदमी को मैंने किताब दी कि यार महीने में इसको पढ़ के ना जरा कमेंट्स देना, कोई अच्छी लिखी बात ठीक, अगर कोई सही बात नहीं है तो मेरा कसूर है। एक महीने बाद पूछा, हाँ भी पढ़ी? और नहीं जी, मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने कहा बड़े बदलाव को यार, मुफ्त में किताब दी उस पर तू पढ़ ही नहीं सका। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने एक किताब दी और इसने नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा बड़ा तू बदजौक है। तो मैंने कहा जो अल्लाह का कुरान ना पढ़े वो बदजौकों का चैंपियन है, ये पढ़े रहेगा बदमाश होगा क़यामत वाले दिन। है जी, कि रिसाले भी पढ़ ली, ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, है जी मैंने अंग्रेजों की भी किताबें पढ़ी हैं, तुम्हारी तक नहीं पढ़ती अल्लाह की किताब पे। हाय हाय हाय, इसीलिए अल्लाह ने शिकवा किया, वमा कदर अल्लाह हक का कदर, इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसी कदर करने का हक था। वाकई ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा ना, जब कुरान लोगों की सिफारिश करेगा और लोग जन्नत में जा रहे होंगे, आप हाथ मल रहे होंगे, मैंने तो कुरान से कोई मोहब्बत ही नहीं की। आज मुसलमान ज्यादा